बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको टेस्टी फूड विद जिया में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अचारी आलू चना, जिसके लिए हमने सबसे पहले चने लेने हैं। इसको हमने सबसे पहले 2 घंटे के लिए भिगो दिया था सोडे के पानी में, 2 टेबल स्पून सोडा डाल के। तो उसको अच्छी तरीके से धो के हमने साफ पानी के अंदर 2 घंटे के लिए बॉयल किया है, नमक डाल के। ये हमने 1.5 कप चने लिए हैं, ये इसका पानी है चनों का ही, यही हम सालन में यूज़ करेंगे। आलू लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज़ के बॉयल्ड हुए हुए, और उसको हमने रफली कटिंग कर ली है। टमाटर लेने हैं 3, और उसको हमने जो है वो चॉप्ड कर लिया है। दही लेना है 1/2 कप। कलौंजी ली है हमने 1/2 टीस्पून। सौंफ ली है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। राई ली है 1/2 टीस्पून। हमारे पास येलो थी, हमने येलो लिया। अगर आपके पास ब्लैक हो तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं। धनिया लिया है क्रश हुआ हुआ 1 टेबल स्पून। कुटी हुई मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। हसब ज़ायका नमक ले लें, हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। हल्दी लिया 1/2 टीस्पून। अचार लिया है 1 टेबल स्पून, और ऑयल चाहिए हमें 1 कप। तो ये इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें अचारी आलू चने बनाने के लिए। अब एक कढ़ाई देंगे, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा और राई जो हमने ली थी इसका भगाड़ देंगे, ये डाल देंगे। और उसको थोड़ा सा खुशबू आने तक कर आएंगे। टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी हम छोलों वाले ही ऐड करेंगे। इसका हम मसाला भूनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मसाला भूनेंगे हम इसके, और टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, घुल जाए, इतना हम इसका मसाला भूनेंगे। और पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। हल्दी ऐड कर देंगे। इससे हमें भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और टमाटर जो है वो अच्छे से घुल गए हैं। धनिया ऐड कर देंगे इसमें, कुटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिनट हो गए इसको हमें भूनते हुए, इसका मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। इसको हम जितना ज़्यादा भुनेंगे हमारा जो सालन है वो उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। अचार ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे। मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अब आलूओं के साथ इसके मसाले की हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला जो है वो भुन गया है। अब इसके अंदर हम चने ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
पानी डाल डाल के इसको हम थोड़ा भूनेंगे। अब का सारा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा कप पानी थोड़ा हम और ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए। हमारा अचारी आलू चना तैयार होने में 30 से 40 मिनट लगे हैं और ये रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस अचारी आलू चना। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।